यूनिट 5 का सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस। ठीक है, बिल्डिंग एक बार जब उसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर काम खत्म होगा। हमको एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद या जब भी रिक्वायरमेंट हो बिल्डिंग में, उसका मेंटेनेंस वर्क कराना होता है। ठीक है, इसलिए कराना होता है ताकि बिल्डिंग का परफॉर्मेंस जो है वो बना रहे, ठीक है, उसकी वर्किबिलिटी बनी रहे और उसका अपीयरेंस जो है वो अच्छा है। ठीक है, बिल्डिंग देखने में भी अच्छा हो और जिस तरीके के बिल्डिंग का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, जैसे स्कूल है तो वहाँ पे एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि उस बिल्डिंग की वर्किबिलिटी जो है, वो स्कूल है तो वो स्कूल टाइप का परफॉर्मेंस उसका बना रहे, ठीक है, उसकी वर्किबिलिटी एज ए स्कूल की तरह बनी रहे। ठीक है, उसमें कोई भी अनहाइजेनिक या हजार्डस थिंग ना हो। ठीक है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि जब भी बिल्डिंग को बना लें तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होता रहे और मेंटेनेंस में हम उसको देखते हैं कि उसकी वर्कबिलिटी अच्छी हो, ठीक है, उसकी सर्विसबिलिटी अच्छी हो, उसका अपियरेंस अच्छा हो और उसका परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए गए हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे और ये यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग इज नेसेसरी टू कीप देम गुड इन अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, बिल्डिंग का एक रेगुलर इंटरवल पे मेंटेनेंस होना चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए ताकि बिल्डिंग का अपीयरेंस जो है वो अच्छा रहे और परफॉर्मेंस। दिस इज स्पेशली नेसेसरी इन पब्लिक बिल्डिंग विच आर यूज बाय मेनी पीपल एंड आर टू बी मेंटेन्ड बाय रिस्पॉन्सिबल एजेंसी। ठीक है, जो मेनली जो पब्लिक बिल्डिंग है उसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे लोग जो आते रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका पब्लिक बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो उसका मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए और जो मेंटेनेंस का वर्क है वो एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो वर्क हो वो प्रॉपर ढंग से हो और ढंग से हो। सम ऑफ द मेथड फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस आर डिस्कस बिलो। सबसे पहला क्या है, क्लियरिंग ऑफ पेंट वर्क। ठीक है, वॉशेबल पेंट कैन बी यू क्लीन बाय वॉशिंग विथ क्लीन वाटर। ठीक है, पेंट वर्क को जो है वो वॉशेबल अगर पेंट है तो उसको हम लोग क्लीन वाटर से भी साफ कर सकते हैं। कुछ कई बार क्या होता है, समटाइम्स सोडा सॉफ्ट सोप इज ए इन ए डायल्यूटेड फॉर्म इज यूज टू रिमूव द टिपिकल स्टेन, बट दे आर जनरली अवॉइडेड एज इट इज इंजूरियस टू सम पेंट। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सोडा या सॉफ्ट सोप जो है वो वाटर में डाइल्यूट करके और जो भी दाग होते हैं, दाग या धब्बे, उसको रिमूव किया जाता है, लेकिन जनरली इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है। क्यों, क्योंकि कई सारे पेंट जो है वो पेंट के लिए ये इंजूरियस होता है। ठीक है, उसके लिए इंजूरियस होता है। इट इज़ एडवाइजेबल टू रिपेयर रीपेंट सरफेस बिफोर ओल्ड पेंट डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, सबसे अच्छा ये होता है कि जब पुराना पेंट डिसइंटीग्रेट होने लगे उससे पहले ही हम उस पर एक रीपेंट कर दें, एक और कोट उसके ऊपर कर दें, दोबारा उसके ऊपर पेंट कर दें। नेक्स्ट क्या है, ऑल स्टील वर्क सच एज ग्रिल शटर डोर एंड विंडो फ्रेम शुड बी केयरफुल्ली पेंटेड एंड मेंटेन्ड सो दैट दे डू नॉट रस्ट। ठीक है, जो भी ग्रिल है, शटर, जो भी मेटल का वर्क है, ठीक है, अगर स्टील वर्क है तो उसका ग्रिल हो गया, शटर हो गया, डोर विंडो फ्रेम हो गया, उन सबको हम जो लोग क्या करें, केयरफुल्ली जो है वो पेंट करें। ठीक है, और इसको मेंटेन करें ताकि उसके ऊपर रस्टिंग ना हो। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ फ्लोरिंग। दे आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोर, देर आर मेनी टाइप ऑफ फ्लोर एंड ईच हैज इट्स ओन मेथड ऑफ मेंटेनेंस। बहुत सारे तरह के फ्लोर होते हैं और उनका मेंटेनेंस भी अलग अलग तरीके से होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है।
सबसे पहला क्या है, डेली मेंटेनेंस ऑफ फ्लोर इज टू बी मेड बाय मॉपिंग विथ माइल्ड डिटर्जेंट इन वाटर। ठीक है, सबसे जो बेसिक चीज क्या होता है कि हम लोग फ्लोर को मेंटेनेंस करने के लिए उसको उसको साफ रखें, उसका पोछा लगाएं, ठीक है, उस पर पोछा लगाएं ताकि वो जो सरफेस है वो क्लीन रहे और उस पर डर्ट या कोई स्टेन ना लगे। दूसरा चीज ये है कि माइल्ड डिटर्जेंट यूज करते हैं, ठीक है, कोई एसिड या कोई हार्ड डिटर्जेंट नहीं यूज करते हैं, हम एक माइल्ड डिटर्जेंट यूज करते हैं ताकि सरफेस जो है वो क्लीन हो जाए, ठीक है, और सरफेस को कोई हार्म ना हो। इफ देयर इज ए स्पिल इट शुड बी वाइप्ड आउट इमीडिएटली। अगर कहीं पे थोड़ा स्पिल्स हो रहा है, मतलब पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसको तुरंत ही हम वाइप आउट कर दें। If the stain is from grease, make a paste of chalk dust and or whiting with acetone. ठीक है, अगर दाग जो है वो ग्रीस का है तो हम एक चाक डस्ट और एसीटोन का पाउडर को मिक्स करें, ठीक है, और उसको क्लीन करें। दिस मिक्सचर इज अप्लाइड टू द स्टेन एंड अलाउ टू स्टैंड ओवरनाइट। स्पॉन्ज ऑफ द मिक्सचर एंड बफ द ट्रीटेड एरिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें कि इस मिक्सचर को जो है उस दाग पे हम एक रात के लिए छोड़ दें, ठीक है, और उसके बाद अगली सुबह उसको हम साफ करें, ठीक है, तो आसानी से जो ग्रीस का दाग है वो आसानी से छूट जाएगा। इफ द स्टेन इज फ्रॉम टी फ्रूट जूस एटसेट्रा यूज द चाक पाउडर विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड इंस्टेड ऑफ एसीटोन। अगर जो स्टेन है वो चाय या फ्रूट जूस का है तो हम क्या यूज करें, चाक पाउडर यूज करें विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड से, ठीक है, एसीटोन के मुकाबले हम इन चीज को यूज करें और इससे दाग रिमूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ डोर एंड विंडोज। डोर और विंडो का मेंटेनेंस कैसे करें, मोस्ट वुड गेट डिटोरिएटेड विद टाइम अनलेस दे आर रेगुलरली पेंटेड एंड केप्ट फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है, जो लकड़ी है वो जल्दी अपने आप डिटोरिएट नहीं होता है, जब उसके ऊपर मॉइस्चर आता है कहीं से तभी उसका डिटोरिएशन स्टार्ट होता है। तो हम क्या करें कि इसका डिटोरिएशन रोकने के लिए हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मॉइस्चर से दूर रहे और इसके ऊपर कभी डायरेक्ट सनलाइट जो है वो ना पड़े, ये डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में ना आए। ठीक है, wooden door provided in bathroom should be protected at bottom by used aluminium or steel sheet and painted with waterproof paint. ठीक है, wooden door जो है वो हम क्या करें, अगर बाथरूम में wooden door हम provide करा रहे हैं तो उसका जो bottom है उसको used aluminium से या steel sheet से को लगा दें और उसको paint कर दें, ठीक है, waterproof paint से उसको हम पेंट कर दें। ग्लास पैनल ऑफ डोर एंड विंडो शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली विथ क्लीनिंग लिक्विड। जो ग्लास पैनल है, डोर हो गया, विंडो हो गया, उसको हम क्लीन करते हैं, कुछ ग्लास क्लीनिंग लिक्विड से उसको हम रेगुलरली जो है वो क्लीन करते हैं।
मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई टैप एंड फिक्सर्स, टैप एंड अदर फिक्सर्स शुड बी रिपेयर्ड एज सून एज दे बिकम डिफेक्टिव। ठीक है, टैप और जो भी फिक्सर्स हैं वो उसको तुरंत रिपेयर करना चाहिए जैसे ही वो डिफेक्टिव हो रहे हैं। टैप एंड अदर फिक्सर्स कैन बी इजीली क्लीन्ड विद लिक्विड अमोनिया इन वाटर। ठीक है, टैप और जो भी फिक्सर्स हैं, जो भी फिटिंग्स हैं, वो आसानी से क्लीन किया जा सकता है, बस लिक्विड अमोनिया वाटर में मिक्स करके हम उसके ऊपर लगा दें। सम्स एंड ओवरहेड स्टोरेज टैंक शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली। जो ओवरहेड टैंक है और जो सम्प है उसको रेगुलर इंटरलेवल पे उसको क्लीन करना होता है। एंड शुड बी kept well covered, और उसको जो है वो अच्छे से कवर करके रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम का कैसे मेंटेनेंस होता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड न्यूसेंस एंड अनहेल्दी कंडीशंस। ठीक है, न्यूसेंस और अनहेल्दी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम एंड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम मस्ट बी केप्ट क्लीन एज वेल एज इनपुट वर्किंग कंडीशन। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को हमको या वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम को हमको क्लीन रखना होता है और अच्छे वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, ताकि कहीं से भी कोई लीकेज ना आए, कहीं चोक ना हो और कहीं कोई लीकेज ना आए। लीकेज इन ड्रेनेज सिस्टम शुड बी अवॉइडेड एंड रेक्टिफाइड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, लीकेज अगर ड्रेनेज सिस्टम में है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, अगर है तो उसको जल्दी से जल्दी ही सही कर लेना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का कैसे मेंटेनेंस होता है, ऑल द इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स प्लग स्विचेस वायर एटसेट्रा शुड बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, इफ फाउंड डिफेक्टिव शुड बी रिप्लेस इमीडिएटली। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, जो भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं जैसे प्लग हो गया, स्विचेस हो गया, वायर हो गया, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो उसको तुरंत ही रिप्लेस किया जाए। स्विचेज शोइंग अर्थ लीकेज शुड बी यूज्ड एज दे आर सेफ। ठीक है, जो स्विचेज जो है वो अर्थ लीकेज को शो करते हैं, ठीक है, उसको यूज करना चाहिए। अर्थिंग के लिए जो भी मटेरियल लगता है उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, इट इज एडवाइजेबल टू हैव phase enhancing devices in electrical supply system too, so that if one phase goes out, the connection can be made to another available phase. Phase changing device जो है वो घर में जरूर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी एक किसी एक phase में जो है वो supply proper नहीं आ रही है या कोई डिफेक्ट आता है तो हम क्या करें कि फेज कनेक्शन को चेंज करके हम किसी दूसरे फेज से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। ठीक है, मच सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी मेड इफ यूज फ्लोरोसेंट लैम्प फॉर लाइटिंग एंड कैपेसिटेंस टाइप ऑफ रेगुलेटर फॉर फैंस। ठीक है, अगर हम फ्लोरोसेंट लैंप यूज करते हैं लाइटिंग के लिए और कैपेसिटर यूज करते हैं रेगुलेटर में, फैन के रेगुलेटर के लिए, तो हम बहुत सारे बिजली बचा पाते हैं। ठीक है, लास्ट टॉप पॉइंट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ टॉल ट्रीज नियर बिल्डिंग। बिल्डिंग के पास अगर कोई ट्री है तो उसका कैसे मेंटेनेंस करें। टॉल ट्रीज और प्लांट विथ deep root
should not be allowed to grow near the foundation, which can produce cracking in walls and flooring. ठीक है, अगर कोई टॉल ट्री है बिल्डिंग के आसपास जो डीप रूट जिसका होता है, ठीक है, जिसका रूट जो है वो काफी जमीन के अंदर तक धंसा रहता है, उसको हमको बिल्डिंग के आसपास ग्रो नहीं होने देना चाहिए. ठीक है, इससे क्या होता है कि वो फाउंडेशन में क्रैक आ सकता है, जो भी लोड बियरिंग वॉल या फ्लोरिंग है उसके अंदर जो है वो क्रैक आ सकता है. ठीक है, इसलिए हम क्या करें कि टॉल बिल्डिंग का जो ग्रोथ है वो बिल्डिंग के आसपास ना करें. ठीक है, बिल्डिंग शुड बी पीरियडिकली चेक फॉर हार्मफुल ट्रीज. ठीक है, बिल्डिंग को जो है वो टाइम टाइम पे हमको चेक करना चाहिए ताकि बिल्डिंग के आसपास कोई हार्मफुल ट्रीज ना ग्रोथ कर रहे हो. विच grow near the building and it roots penetrate inside the structure and cause crack and dampness. ठीक है, जिसके roots जो है वो penetrate करके structure के अंदर आ जाते हैं और वो building के अंदर crack या moisture content को बढ़ाते हैं. ठीक है, तो ऐसे trees को जो है वो घर के आसपास नहीं growth करने देना चाहिए. तो यूनिट 5 खत्म हो गया. तो नंबर जो है वो किसी का सिलेबस जो 5वीं यूनिट था वो खत्म हो गया है. नेक्स्ट आगे अब लोग जो टॉपिक बहुत धन्यवाद.